एक और बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें, भोपाल से बड़ी जानकारी, डेंगू मलेरिया के लिए बनाई गई टास्क फोर्स, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। टास्क फोर्स में नगर निगम की टीम भी शामिल, भोपाल कलेक्टर अविनाश लबानिया ने निर्देश दिए हैं, घर में बार बार लार्वा मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, साफ सफाई पर आपको भी ध्यान देना होगा, लेकिन एक टीम तैयार की गई है जो कि घर घर का सर्वे करेगी, अगर घर में बार बार लार्वा मिलता है तो 500 रुपए का जुर्माना भी होगा। सदफ लगातार हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है, सदफ एक टीम तैयार की जा रही है, और देखिए गंभीरता इस बात की भी बहुत होनी चाहिए कि ऐसे वक्त में जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साफ सफाई पर जनता का भी ध्यान बहुत होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के बाद से लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके चलते अब जिला प्रशासन सतर्क हो गया और जिला प्रशासन ने इसके लिए 29 टीमों का गठन भी किया है, टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें कई टीमों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें चाहे नगर निगम के, इसमें कर्मचारी और अधिकारी इस टास्क फोर्स कमेटी में शामिल रहेंगे और घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा था, जहाँ पर लार्वे पाया जा रहा था वहाँ लार्वे को नष्ट किया जा रहा था, जिसके चलते मलेरिया और डेंगू को बढ़ावा के मरीज ज़्यादा संख्या में ना मिल सके। लेकिन जब जिला प्रशासन ने देखा लापरवाही लगातार लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही है, लगातार कम से कम 1000 घरों से ये डेंगू का लार्वा पाया गया, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने फैसला लिया कि जिस भी घर में बार बार अगर डेंगू का लार्वा पाया जाता है तो उससे 100 से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा, जिसके चलते लोगों को अब सावधानी बरतने की ज़रूरत है और साफ सफाई रखने की भी ज़रूरत है, जिससे कि डेंगू और लार्वा घरों में ना मिल सके।